ठहरो विशाल, मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम किसान बनकर दिल्ली मोर्चे पे जा रहे हो जबकि तुम किसान नहीं हो। बेशक मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन मैं खाना तो खाता हूँ ना। ओ मतलब अब तुम एक्टर होकर ट्रैक्टर चलाओगे? हाँ, क्योंकि उन ट्रैक्टर वालों ने हमें एक्टर बना है। सरकार की तरफ से बॉलीवुड का वहाँ जाना बैन है। सुना वहाँ पे लंगर बहुत स्वाद है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सॉरी नो सी, मैं वहाँ जाके सेवा करूंगा, टॉयलेट भी धो सकता हूँ मैं। समझ गया तुम्हारी प्रमोशन की चाल, हार्पिक की नई एड मिल गई होगी तुम्हें। देखो बात प्रमोशन की नहीं है, नए हार्पिक से सचमुच टॉयलेट साफ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन। और टॉयलेट से याद आया, मोदी जी ने स्वच्छ भारत के तहत नए शौचालय बनाया निःशुल्क। टॉयलेट तो तब इस्तेमाल होंगे ना जब किसी को खाना मिलेगा। विशाल अमर, 5-5 रुपए निकालो, मूंगफली मंगवाते हैं। ऐसे ले लो सर, ये पूरे पैसे दे देगा। और वो मूंगफली उगाने वाले तो खुद सड़कों पे बैठे इतनी ठंड में। सही कहा विशाल, इसने पंजाबी कल्चर के नाम पे काफी पैसे कमाए। फिर क्या हो गया? हेरा फेरी अभी भी नहीं, आंखें खुली तेरी। जिंदाल साहब, कोरोना के कारण पहले इतना नुकसान हो चुका है, अब ये आंदोलन पता नहीं कब तक चलेगा। अरे भाई, अगर सरकारें 5 साल टिक सकती हैं तो ये आंदोलन तो ईमानदार लोगों का है, 5-7 साल चल ही जाएगा। किसान आंदोलन को वो लोग भी गलत बोल रहे हैं जिंदाल साहब, जो किसानों के घर से लस्सी मंगा के कड़ी बनाते हैं। और ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, पूरे देश का है। जिनकी पगड़ी अपनी फिल्मों में दिखा दिखा कर तुमने पैसे कमाए, आज उनकी पगड़ी पे बात आई तो तुम उनका साथ नहीं दे। जिस तरह से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं विशाल, वैसे वो लोग किसानों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनको बोलो एकता बनाए रखे। आज 100 रुपया पेट्रोल से लोग परेशान हैं, अगर ये आंदोलन टूट गया तो आटा भी 100 रुपया मिलेगा, याद रखना।